कैसे देखता है, टेढ़े टेढ़े पैसे दे दे, मेरे पास मेरे पास दे दे ना, मेरे बुआ पास दे दे, चीजी खाएंगे फिर, चीजी खाएंगे हम दोनों, चल चल चीजी खाएंगे, चीजी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका सिया हिमाचली ब्लॉगर्स में। तो यहाँ पर देखिए, ये आए हैं मेरी बुआ जी और मम्मी जी बैठे हुए हैं, तो साथ में शौर्य के साथ मैं खेल रही थी। तो अभी यहाँ पे हम ना जाने की कहीं तैयारी कर रहे थे, मंदिर ही है वो, तो हमारे यानी कि जाहिर वीर गोगा जी का मंदिर है, वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। इस मंदिर की ये है कि जो कोई यानी कि जैसे सांप ने काटा हो, बीमार हुआ हो कोई, या फिर जैसे किसी को फोड़े फिंसी हो जाती है या मस्से वगैरह हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर सुखन की जाती है, तो यहाँ पर नमक चढ़ाया जाता है तो उससे जो ठीक हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ ना, सही में ना मेरे हाथों में भी हुए था, मस्से हुए थे, तो मैंने भी यहाँ पे सुखन की हुई थी इस मंदिर में, तो वो ठीक हो गए, बिल्कुल झड़ गए, जैसे नमक की तरह ना झड़ते हैं वैसे ही नमक की तरह झड़ गए। तो चलो फिर आपको भी ले चलती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मम्मी जा रहे हैं, साथ में बुआ थे और भाभी मेरी थी, वो भी जा रही हैं, और शौर्य तो वो चलेगा ही चलेगा, तो यहाँ पे वो ज़िद कर रहा था कि वो पीछे बैठे, लेकिन हम उनको आगे बैठा रहे थे ताकि सभी जो एडजस्ट हो सके। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको वहाँ पर, और हमारे साथ देखिए उस मंदिर की। लेकिन आप में भी शायद कोई ना कोई वहाँ पर जानता ही होगा, यानी कि कोई ना कोई इस मंदिर के बारे में जानता, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आप बताना मुझे कि आपके यहाँ पे किस नाम से यानी कि जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे जाहिर वीर गोगा जी के नाम से जाना जाता है, तो मंगली गोगा के नाम से भी जानते हैं हम इनको। तो बस फिर ले चलती हूँ आपको वहाँ पर, ज़्यादा देर ना करते हुए। फिर उसके बाद जो हमने दरिया वगैरह देखा आपको बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी वहाँ पर। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं हम मंदिर में, तो पहुँचने ही वाले हैं, तो चलिए फिर। ये पहुंच के हम मंगली गोगा में, तो चलो जय करो, जय करो, जय करो, जय जय करो, जय जय करो। हाँ चलो, जल्दी करो, जाओ दादू के पास चलो, चलो 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 चलो। यहाँ से भी जय करो, चलो चलो।
तो ये है मंदिर मंगली गुगा जी का, यानी कि जाहरबीर, जाहरबीर के नाम से जो जाना जाता है वहीं पे है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई बीमार हो, कोई जिसको ज़्यादा ही हो और सांप का जैसे काट लेता है, या फिर किसी के फोड़े फिंसियाँ हों जो ठीक ही नहीं होती हैं, या फिर मस्से हों, तो यहाँ आके जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे तो हुए थे, तो मेरे तो यहाँ पर बहुत अच्छे, यानी कि मैंने बस नमक की, जैसे कि जहाँ पर भी हो ना आप, नमक की मैंने सुखन कर दी थी, यानी कि मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे वो ठीक हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर चढ़ाऊँ। तो मैंने, और ये मेरे ना सही में उतनी मैंने दवाइयाँ दी, कोई फर्क नहीं पड़ा था मुझे, तो यहाँ आके मैंने बस सुकन की थी तो यहाँ पे आके ठीक हो गया था। तो हम तो बहुत मानते हैं इनको, और देखिए यहाँ पे शौर्य किस तरह से कर रहा है। तो चलिए फिर बस आगे दिखाती हूँ आपको। और ये जो है ना यहाँ पर नया मंदिर बना था, तो कुछ पुराना था मंदिर वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर है हमारा। शौर्य देख रहा क्या हो गया ये, शौर्य क्या हुआ, किसकी गाड़ी है? हाँ अरे वो मोरनी दादू की गाड़ी चली गई। हाँ हाँ दादू की गाड़ी चली गई, देखो हमारी गाड़ी चला रही है। हाँ ये हमारी, ये हमारी है। चल इसमें तू बैठ ना, ऐसे नहीं भागना, ऐसे नहीं, इसको तू चला ना। हाँ फिर से आगी बारिश। चलते हैं अब, बारिश भी आने वाली है। इधर गड़गड़ नहीं पी करना, देता है तना घरे है बतेरा हुई हूं तो बरसात लानी ना नहीं। चलो हाली दसी बरखा, अच्छा दो तीन तरीक राती आई था बरखा, जगराता हो यंगा है। गाड़ी आ रही है, गाड़ी देख 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 देख, अब पीछे बैठना, आगे 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 बैठो आगे, हमारी गाड़ी हमारी सी हो गया। तो बस अब यहाँ पे हमने दर्शन करके अब चल पड़े हम आगे की तरफ, यानी कि जहाँ पे हमारा पुराना वाला मंदिर है वहाँ पे है, और उसके आगे जो दरिया है तो मैं वहाँ पे भी दिखाऊंगी कि हम जब बचपन में होते थे ना, तो बचपन में हम यहाँ से अपने मामा जी के घर पे जाया करते थे और किश्ती में जाया करते थे, तो वो वाला भी दिखाऊँगी आपको। और यहाँ पर हम जैसे हम उस टाइम, अब तो पेन चल पड़े हैं ना, तो पेन कल में भी हुआ करती थी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी मैं कि कहाँ से हम जाया करते थे, ठीक है।
तो अभी चलो हम वहीं पे पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में। तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो और शेयर भी करना। और बताती हूँ आपको नेक्स्ट जो है, तो यहाँ देखिए हम पहुँच ही गए हैं वैसे, तो अगली वीडियो में दिखाऊँगी सारा मैं। अब तो मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।